सर BSNL के नंबर पे इमरजेंसी डेटा लोन लेना चाह रहे थे। यस सर, यस सर। 3 महीने सर। 518 दोस्तों हम यहाँ पर लाइव स्क्रीन पर हैं, जैसा अभी मैंने आपको सुनाया है BSNL के कस्टमर केयर से बात करके। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल देखो टेक सफ़र पर। और आए दोस्तों इस वीडियो में सीख लेते हैं कि यहाँ पर कस्टमर केयर से कैसे BSNL के हम बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो सपोर्ट भी करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आइए मैं अपने डायलर पैड में चलता हूँ और जो नंबर है वी के यहाँ पर BSNL के कस्टमर केयर का 1503, इस नंबर पर हम कॉल करेंगे सबसे पहले। और कॉलिंग करने के बाद मैं आपको पूरा प्रक्रिया बता रहा हूँ कैसे हम बात करेंगे, ठीक है? ये जो बोल रहे हैं पहले सुन लीजिए, पूरा पूरा सुन लीजिए। हिंदी के लिए एक बोल रहे हैं, एक दबा देना हिंदी के लिए, ठीक है? पूरा सुनिए। पूरा सुन लीजिए। पूरा सुन लीजिए। देखिए बात करने के लिए 9 दबाएं। अब 9 दबा देना आपको, ठीक है? और वेट करना है आपको, ठीक है? आपकी कॉल हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को हस्तांतरित की जा रही है। प्रिय ग्राहक, प्रशिक्षण और गुणवत्ता उद्देश्य हेतु आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। वेट करने सर BSNL के नंबर पे इमरजेंसी डेटा लोन लेना चाह रहे थे। यस सर, यस सर। 3 महीने सर। 518, ठीक सर, थैंक यू। दोस्तों मैंने कॉलिंग का प्रक्रिया बताया है और समझ ही रहे हैं BSNL के कस्टमर केयर लोग थोड़ा सा मतलब दूसरे टाइप से बात करते हैं। फिर बात अगर किया जाए एयरटेल जियो में तो बहुत ही मतलब सहजता से करते हैं, लेकिन BSNL में तो आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।